ओम शांति। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी डिस्टर्ब्ड है, ऊपर नीचे है, ठीक से सोना जागना खाना पीना सारा कुछ डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में अनिद्रा की समस्या देखी गई है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, और इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसोम्निया यानी कि रात को नींद नहीं आना। तो हमारी मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि जो है वो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट रिलीज़ करती है। ये मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारे सोने और जागने के ऊपर नियंत्रण करता है। तो जब मेलाटोनिन का प्रमाण कम होता है, बॉडी में कम रिलीज़ होता है, तब इंसोम्निया नाम की बीमारी यानी कि समस्या पैदा होती है। लेकिन इसके पीछे रीजंस मेजॉरिटी यही होता है, या तो आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, या तो किसी बात की आपको चिंता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। जब मन चाहा खाया, जब मन चाहा सोया, जब मन चाहा उठे, तो ऐसी लाइफस्टाइल वालों को भी इंसोम्निया हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि पूरा दिन सोते रहते हैं और पूरी रात काम करते हैं, 9 बजे रात को काम करना शुरू करते हैं और सुबह पूरा दिन सोते रहते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये नेचर का लॉ है कि डे इज़ फॉर वर्क एंड नाइट इज़ फॉर स्लीप। इसलिए अगर आप इस प्रकार से काम करते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रात को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, बट एक्चुअली हमारी जो बॉडी है उसको रात की जो निंद्रा है वो ज़्यादातर उपयोगी है और वही चाहिए। पूर्णतः रिलैक्स होने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, मन को आराम देने के लिए रात की नींद होना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में कितना भी सो लो वो उतना आपको फ़ायदा नहीं देगा आपके शरीर को, जितना फ़ायदा आपको रात की नींद देती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि रात को हमें पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी लाइफस्टाइल आगे जाके इंसोम्निया में परिवर्तित हो सकती है। द बेस्ट टाइम इज़ स्लीपिंग फॉर 10 to 4, 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह का जो है वो सबसे अच्छा समय है अच्छी नींद लेने का। 4 बजे उठकर आप पढ़ाई करें, ज़्यादा आप याद रख पाएंगे। आपको पता है ना, हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, दैट इज़ द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बुद्धि की क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादातर, और ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में देखा जा रहा है आजकल, क्योंकि यंगस्टर्स रात रात को मूवीज़ देखना, मोबाइल्स यूज़ करना, उनकी जीवन शैली पूरी डिस्टर्ब्ड है, तो इसकी वजह से अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की समस्या पैदा होती है। अब इंसोम्निया भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अक्यूट इंसोम्निया, दूसरा होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। अक्यूट इंसोम्निया जो होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी जॉब चेंज हुई, माहौल चेंज हुआ तो आपको नींद की प्रॉब्लम, आपने घर चेंज किया तो आपको नींद की प्रॉब्लम, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए हैं तो पूरा टाइम चेंज हो गया, उसकी वजह से आपको नींद की प्रॉब्लम हुई, नींद नहीं आ रही है, डिवोर्स हुआ, शादी हुई, घर चेंज हुए, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट चेंजेस में भी नींद डिस्टर्ब होती हैं। तो ये छोटे छोटे लाइफ के जो चेंजेस हैं उसकी वजह से नींद नहीं आना, दैट इज़ अक्यूट इंसोम्निया। वो टाइम के चलते वो फिर ठीक भी हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक इंसोम्निया जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, मिनिमम 2 से 3 महीने लगातार आपको रात को नींद नहीं आना, रेस्टलेस रहना, इसको कहेंगे इंसोम्निया। देखिए, 1-2 दिन कुछ चेंजेस की वजह से रात को नींद नहीं आई उसको इंसोम्निया नहीं कहेंगे,
महीने में 2-3 बार ऐसा हो गया, इंसोम्निया नहीं कहेंगे, लेकिन ये लगातार 3 महीने तक चलता है तो इसको हम नाम देंगे इंसोम्निया, यानी कि अनिद्रा। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो जैसे ही हमने आगे बात की कि लाइफस्टाइल आपकी जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, बैठे रहते हैं, जो लोग बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करते, एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शरीर काम नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, थकोगे नहीं तो फिर नींद कैसे आएगी? तो जो लोग बिल्कुल ना एक्सरसाइज, ना योगा, ना बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो उनको भी इंसोम्निया हो सकता है। और ये कॉज आपके कंट्रोल में है, आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। दूसरा कॉज ये भी हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़े स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस भी आपके कंट्रोल में है। एवरी टाइम वी हैव चॉइस, हमें किसी भी बात को कैसे जीवन में लेना है हमेशा हमारे हाथ में होता है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कभी हमें नुकसान नहीं कर सकती जब तक हम ना चाहे। कितना भी कुछ क्यों ना हो, क्या हो, नहीं हो सकता अगर हम ना चाहे। सो दिस इज़ इन आवर कंट्रोल। स्ट्रेस लेना हमारे कंट्रोल में है, हमारी चॉइस होती है। तो स्ट्रेस देखिए कितनी सारी बीमारियों की जड़ है। तो इंसोम्निया का बहुत बड़ा एक मेजर कॉज होता है स्ट्रेस। फिर कुछ लोग जो मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी भी एक रीज़न हो सकता है अनिद्रा का, डायबिटीज़ एक रीज़न हो सकता है, कुछ लोगों को स्नोरिंग प्रॉब्लम होती हैं, तो ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं अनिद्रा के। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को एक बारी चेक करना है, बिकॉज इफ़ योर मॉर्निंग रूटीन इज़ डिस्टर्ब देन दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इंटायर डे एंड स्लीप। तो हमें ये चेक करना है कि हम कैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हमें खुद फाइंड आउट करना है रीज़न, क्योंकि नींद बहुत बड़ा सुख है मानव जीवन का। आप देखिए, आप कहीं से बाहर से आते हैं, आपको क्या लगता है, अब घर की नींद, घर में जो नींद आती है वो नींद कहीं नहीं आती। मतलब नींद को कितना हम इम्पोर्टेंस देते हैं, नींद में ही सारा बॉडी में खुराक पचता है, डाइजेशन जो है मैक्सिमम, आप जब नींद लेते हैं तब आपका डाइजेशन सबसे अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है। इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं, आप में कमज़ोरी आने लगेगी, खुराक पचेगा नहीं तो न्यूट्रिशंस मिलेंगे नहीं बॉडी को, तो कमज़ोरी आ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ सकती हैं स्टूडेंट्स में आ सकती हैं, मानसिक तनाव, डायबिटीज़, ये सारे फिर उसके कॉन्सिक्वेंस में हमें भुगतने पड़ते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा, आप रात को सो नहीं पाते हैं, अब पूरा दिन आपका स्लीपी जाएगा, आपको योनिंग होगा, आप बार बार उबासी लेते रहेंगे, ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, घर पे भी काम नहीं कर पाएंगे, आप किसी के साथ अच्छे मूड से बात तक नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेक कीजिए कि कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है। तो हम कुछ पहले होम रेमिडीज़ डिस्कस करते हैं जो हमें थोड़ा नींद लाने में मदद कर सकती है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हम किस प्रकार से मेडिटेशन से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है अपराजिता का फूल। अपराजिता का जो फूल होता है उस फूल को आप पानी में उबालिए, 2-4 फूल ले लीजिए, उसको पानी में उबालिए, और आप जब उसको उबालेंगे तो उसका कलर सारा छूट जाएगा, मतलब वो फूल है उसके सारे कलर्स जो हैं वो पानी में डाइल्यूट हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी जो है नीले रंग का हो जाएगा, उस पानी को आप फिर पीजिए, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपराजिता के फूल में वो मेलाटोनिन रिलीज़ करने में मदद करता है। तो ये एक उपाय है। दूसरा, आप सोने से पहले रात को स्नान करके सोइए, वो हमें बहुत रिलैक्सेशन देगा। आप सोने से पहले थोड़ा स्नान कर लीजिए, और शाम को भी आप जब सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो आपको अपने हाथ और पैर वार्म वाटर में धो लेने हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ लोग नींद की टैबलेट्स लेते हैं, प्लीज़ 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 आप स्लीपिंग पिल्स मत लीजिए, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप समझिए इस बात को। स्लीपिंग पिल्स क्या करती हैं, आपके ब्रेन को सुला देती हैं, आपको नहीं सुलाती हैं। सो ये ठीक नहीं है, ये बहुत
ख़राब असर हमारे शरीर पर डाल सकते हैं। इसलिए स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है, हमें नेचुरली ठीक करना है। अपने मन को ठीक कीजिए, आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, आप ही नींद आना शुरू हो जाएगी। दूसरा एक उपाय है कि जो जायफल आता है, उस जायफल को आप पानी में थोड़ा सा घिसे और उस जायफल को आँखों के ऊपर यहाँ पर, देखना आँख में ना जाए, आँखों के ऊपर यहाँ पर हल्के हाथ से थोड़ा सा लगा करके फिर आप सो जाइए। उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है और ये हमें नींद के लिए भी उपयोगी है, थोड़ा बहुत इससे हमें अच्छा लगेगा। फिर एक आयुर्वेदिक उपाय है जो कई लोगों ने ट्राई किया है और इसके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी होंगे शायद, गाय का देसी घी। देसी गाय का घी जो है वो बहुत अफेक्टेड है। रात को सोने से पहले इस घी को आपको थोड़ा सा हल्का गर्म करना है, जैसे वो पतला हो जाए उसके लिए, और उसकी दो दो ड्रॉप्स आपके दोनों होल्स में, नाक में डालने हैं। दो ड्रॉप्स डाल के आपको थोड़ा सा हल्के से थोड़ा सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, बहुत हल्के से आपको थोड़ा सा ब्रीद इन करना है और फिर आंखें बंद करके सो जाना है। ये बहुत अफेक्टिव हैं, कई लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है, तो आप जिसको भी इंसोमनिया की प्रॉब्लम है ये ट्राई कर सकते हैं। फिर जो दिन में ज़्यादा सो लेते हैं, 2-3 घंटा दिन में सो लेते हैं, उनको फिर रात को नींद नहीं आएगी, इतना मत सोइए। आधा घंटा ठीक है, बॉडी को रेस्ट दिया दोपहर में, लेकिन 3-2 घंटा आप अगर सो लेंगे तो फिर रात को नींद कैसे आएगी, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लम्जीनेस, फटीगनेस, ये सब आएगा। इसलिए ज़्यादातर नींद आपको दोपहर में नहीं लेनी है, आप रात को पूरी नींद लीजिए। फिर आप सोने से पहले हल्का हल्का बॉडी मसाज भी कर सकते हैं। एसेंशियल्स ऑयल्स आते हैं, उससे आप अपना बॉडी मसाज कर सकते हैं। हल्के हाथ से यहाँ पे जैसे आपने कर दिया थोड़ा सा मसाज, पीछे से आपने कर दिया, इससे क्या होगा, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और आपको नींद आएगी। रात को सोने के टाइम आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, रूम डार्क होना चाहिए। आप अगर कुछ लाइट्स चला कर सोते हैं तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोने के मिनिमम 1 घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको साइड में रख देने हैं। नो टेलीविज़न, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो टैबलेट, नथिंग एट ऑल। बहुत बहुत ज़्यादा हमारी स्लीप डिस्टर्बिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग रात को सोने तक मोबाइल को सामने रखते हैं, उनका पूरा क्या कहना, आप सब जानते हैं इस बारे में, इंसोम्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रात को नींद फिर नहीं आएगी ना, आप रात तक अपने माइंड को काम कराते ही रहेंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, आपको लगता है लैपटॉप बंद कर दिया और फिर तुरंत सो गए, या मोबाइल बंद करके तुरंत सो गए तो हमें नींद आ गई, ऐसा नहीं होता है। द बॉडी विल बी रेस्टेड बट माइंड इट्स स्टिल वर्किंग। सबकॉन्शियस में इतना सारा लास्ट एंड मोमेंट तक आपने भरा है सोने से पहले कि वो बेचारा क्या करेगा, काम करता ही रहेगा। तो आप सुबह उठेंगे तो बॉडी विल बी रेस्टेड, बट अभी भी आपको अनइजीनेस लगेगा सुबह उठते ही, अच्छा नहीं लगेगा, फील नहीं होगा, अच्छा फ्रेश फील नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, सोने से पहले ना टीवी ना मोबाइल, कुछ नहीं, सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए। ये बहुत बड़ा, आजकल जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके पीछे भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। डिप्रेशन के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि दिमाग में जा ही रहे, भर ही रहे हो सारी इन्फॉर्मेशंस, और वो भी क्या भर रहे हैं, कैसा कंटेंट हम डाल रहे हैं, नेगेटिव कंटेंट डाल रहे हैं। सो 1 घंटे पहले अपने आप को इन सब चीज़ों से कट ऑफ कर लीजिए, स्क्रीन लेस कर दीजिए खुद को। दूसरा, आप जो डिनर करते हैं वो ज़्यादा लेट मत कीजिए, जल्दी कर लीजिए। ज़्यादा लेट करने से हैवी पेट, फिर सोना, नींद नहीं आती है, तो जल्दी से डिनर कर दीजिए, फिर 1-2 घंटे बाद आप सोइए। इस प्रकार से अपना टाइम मैनेज कीजिए आप। अब हम जानते हैं कि हमें क्या खाना लेना है जो हमें अच्छी नींद के लिए हमें थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, कैसा खाना लेना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। तो स्वीट पोटैटोज़, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे मसल रिलैक्सेशन के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप स्वीट पोटैटोज़ ले सकते हैं। केल ले सकते हैं, विच प्रोवाइड अस ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड मिनरल्स, तो ये भी बहुत अच्छा एक फूड है जो हमें, हमारे हार्ट का जो
फंक्शन है उसको भी रेगुलेट करने में हमें मदद करता है। कैप्सिकम है, सनफ्लावर सीड्स हैं, आप रात को थोड़ा सा राइस या खिचड़ी ले सकते हैं। आप सुबह सुबह कीवी भी खाइए, कीवी इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। उसमें सेरोटोनिन होता है जो हमारे स्लीप क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करेगा। फिर आप अंजीर यानी कि फिक्स ले सकते हैं। ये अंजीर के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है जो हमें अनिद्रा की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन आप अंजीर को भिगो के खाए तो ज़्यादा अच्छा है, रॉ नहीं खाइएगा। फिर आप डिनर में गाजर का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि गाजर के अंदर अल्फा कैरोटीन होता है जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है इंसोम्निया में। दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप गाजर ज़्यादा ले सकते हैं। तो रात में जब आप डिनर लेते हैं तो आप गाजर की सब्जी, गाजर का सूप, गाजर का सलाद ऐसे ले सकते हैं। आप सोने से पहले थोड़ा अश्वगंधा का चूर्ण भी पानी के साथ मिला करके पी सकते हैं। ड्रमस्टिक इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस जो हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, मसल रिलैक्स करने के लिए, तो आप ड्रमस्टिक खाइए। फिर आप सैलरी ले सकते हैं विच लोअर्स आवर ब्लड प्रेशर एंड काम द नर्वस सेंट्रल सिस्टम। हमारा जो नर्वस सेंट्रल सिस्टम है उसको भी काम करेगा, तो सैलरी इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फिर आजकल मार्केट में बहुत सारे एसेंशियल्स ऑयल अवेलेबल हैं, तो आप रात को सोने से पहले कुछ एसेंशियल ऑयल लेके, वो जो थोड़ा सा छोटा सा ऐसा आता है जिसके ऊपर आप पानी में वो एसेंशियल ऑयल की 4-5 बूंदें डाल दो, नीचे से वो बल्ब जलता है तो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी से फैल जाती है। तो आप एरोमाथेरेपी इसका भी उपयोग कर सकते हो। अच्छे से पूरा रूम क्लीन रखें और पूरे रूम के अंदर खुशबू होगी तो भी आपको नींद आने में, ये एक एरोमाथेरेपी है जिससे आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। इसमें लैवेंडर ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है एरोमाथेरेपी में, तो आप वो एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आवाकाडो भी आप ले सकते हैं जो हमारी स्लीप मैनेजमेंट में हमें उपयोगी हैं। फिर अ नेचुरल रेमेडी फॉर रिड्यूसिंग अवर स्ट्रेस लेवल, उसके लिए आप पैशन फ्लावर आता है, उस फ्लावर की टी आप ले सकते हैं। उसको उबाल करके आप उसकी टी पी सकते हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। एक और तरीका है कि आप ऐसे कई सारे स्लीपिंग म्यूजिक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, बहुत लो वॉल्यूम में आप ड्यूरेशन डाल दीजिए, कस्टमाइज कर दीजिए अपने डिवाइस में और लो वॉल्यूम में आप उसको चला करके आप सो सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत उपयोगी है हमारे मन को रिलैक्स करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए हमारे थिंकिंग को। तो आप म्यूज़िक ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं स्लीपिंग के लिए, उसका यूज़ कर सकते हैं। आप सोने से पहले ओम चैंटिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। एक और तरीका है जिससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप सोने से पहले एक डायरी लीजिए, एक डायरी रखिए जिसमें आप टू गॉड करके अपनी सारी दिल की बात लिख दीजिए। इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा, आपका बोझ दिल का है वो हल्का हो जाएगा। आप बहुत किसी सोच में हैं, आप हल्के हो जाएंगे। डायरी में सारी चीज़ अपनी लिखा कीजिए। फिर आप आलमंड्स भी ले सकते हैं। आलमंड्स जो हैं उसमें मेलाटोनिन को रिलीज़ करने का प्रॉपर्टी है और उसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी है, तो उसको भिगोकर आप आलमंड्स भी ले सकते हैं। दूसरा, जो कोई आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आ रही है, उनके लिए आपको भोजन के बाद यानी कि डिनर के बाद 2 कच्ची भिंडी चबा लेनी है, कच्ची भिंडी खा लेनी है, इससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा आप रूटीन में जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें ग्रेप्स भी ज़्यादा खाइए, बनाना ज़्यादा खाइए, ये ज़्यादा हमारे मसल रिलैक्स करने में हमें उपयोगी है। फिर कुछ प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयोगी है, ओंकार का नाद करना बहुत उपयोगी है। तो सोने से पहले आप 3-4 बार आराम से डीप ब्रीदिंग करके भ्रामरी प्राणायाम करके सो सकते हैं। तो एक भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ओंकार, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी इतना ही लाभकारी है, तो आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। एक शक्ति मुद्रा है, शक्ति मुद्रा भी इसमें हमें लाभदायी है। आप इंटरनेट से उस मुद्रा को क्लियरली देख सकते हैं शक्ति मुद्रा कैसी होती है, वो भी हमें इंसोम्निया में उपयोगी है। अगर योगासन की बात करें तो 3 जो योगासन है वो बहुत इसमें लाभदायी है, वो है बालासन, सुप्त भद्रासन और सुप्त वक्रासन।
ये तीन योगासन जो है वो हमें इंसोमनिया में बहुत हेल्पफुल है, तो आप ये तीन योगा भी कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका है, सोने से पहले आपको आराम से बैठना है बेड पे, लंबी गहरी सांस लेनी है, इनहेल करते समय सिर को ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते समय मुंह से एक्सहेल करना है और नीचे आकर यहाँ पे चिन को यहाँ पे टच कराना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपको रिपीटेडली 5 to 7 times करना है और फिर सो जाना है। सोने से पहले कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करनी है जो हमारे मन को दुखी कर दे, कोई डिस्कशन ऐसा नहीं करना है। हाँ, सोने से पहले आप आध्यात्मिक बातें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, परमात्मा की याद के गीत सुन सकते हैं, जिससे कि आपके मन को शांति मिले। तो बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो ये जो हमारा हाथ है, हमारी लिटिल फिंगर है, उसके नीचे आप ये जो भाग है इसको आपको दबाना है यहाँ पे। एक ये पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है ये जो हमारी रिस्ट लाइन है उससे दो फिंगर्स छोड़ के आपको ये जो पॉइंट है, दो फिंगर्स छोड़ी और इसी लाइन में नीचे यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको दबाना है यहाँ। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें नींद के लिए उपयोगी हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, कुछ खान पान है, कुछ योगासन है, ये सारा हेल्प करेगा लेकिन इतना हेल्प नहीं करेगा जितना आप खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हैं मन के बोझ को हल्का करना। सोने से पहले एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है हमें, परमात्मा को याद करना है और भगवान को याद करके अपने दिल की हर बात कह देनी है, हर बात कह देनी है। वो सुनता है आपकी बातें, आप बताइए तो सही, उसे खुदा दोस्त भी कहते हैं और दोस्त से तो हर बात कही जा सकती है ना। आप अपने दिल की हर बात उसे कह दीजिए, सारी जिम्मेवारी उसको दे दीजिए अपनी, वो ले लेगा और आपके काम भी हो जाएंगे। हो सकता है आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं वैसा ना हो, लेकिन आपकी जो हित में है वैसा ही होगा और वो करेगा। सोने से पहले भगवान को ही याद करके सोइए, क्या पता सोते सोते शरीर छूट गया तो उसकी याद में शरीर छोड़ेंगे ना, तो उसकी गोद को पाएंगे। इसलिए परमात्मा को याद करके सोइए। जीवन है, चीज़ें आती जाती रहेगी, लेकिन इंसोम्निया जैसी बीमारियाँ और भी बहुत सारी बीमारियाँ, हमारी सोच, हमारी टू मच थिंकिंग, हमारा स्ट्रेस लेवल, ये सारे रीज़न हैं इन सारे बीमारियों के। इसलिए अपने शरीर का और मन का ध्यान रखिए, अपने मन को हल्का रखिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी हम डाल रहे हैं जो है गुड नाइट सॉन्ग। आप सोने से पहले इस गीत को सुनकर परमात्मा की गोद का अनुभव कीजिए और निश्चिंत होकर सो जाइए। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक डिवाइन हेल्दी टिप, सोने से पहले और जब आप सुबह जागते हैं एक स्वमान का अभ्यास करना है, दैट आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा मूल नेचर है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो मैं शांति का मार्ग चुनूंगी या चुनूंगा, शांति से ही काम करूंगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ। बस इस स्वमान का आपको अभ्यास करना है एवरी डे, ये बहुत हेल्पफुल है। और आपने अगर अभी तक राजयोग का मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है तो हमारा संपर्क कीजिए और सबसे पहले राजयोग सीखिए और अपनी जीवन शैली को सुधारिए, अपने सोचने के तरीके को सुधारिए, बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। ओम शांति, शुक्रिया।